अगर अपने आप में कुछ छुपाना चाहूंगा तो मैं कपड़े उतरेंगे। I'll talk to you in English because I know you can understand me. नमस्कार जी। क्या हाल है यार? बैठ जाओ जी। हाँ जी बैठ जाओ। मनीष यादव, आपका फॉर्म मैंने पढ़ा नहीं है यार, तुम्हें पढ़ लेता हूँ। तेरी पिटाई हुई है बचपन में? पिताजी ने पिटा ना तेरे को खूब? बहुत पीटा हूँ। क्यों पीटा तेरे को? बचपन से अनाड़ी है, देसी आदमी जी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि जैसे कोई किसी ने कुछ कह दिया जी, सहन नहीं हुआ। कभी किसी पीट दिया, कहीं गाली बक दी, कभी किसी का कुछ शीशा तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, ये कांड ही करते हैं बचपन से। मजे आ रहे हैं? मजे तो देखो जी, मजे तब होता है जब आदमी जेब में पैसा हो। अरे भाई, कहने वाला कोई नहीं हो, मैं एक मतलब ये जी लगा लो देसी आदमी, एक गाँव से बिलोंग करता हूँ जी। मैं कहीं बाहर मतलब पढ़े लिखे लोगों में बैठता नहीं हूँ, मैं कोई हाई सोसाइटी में बैठता हूँ। अच्छा, अगर ये रोडीज वगैरह ना हो तो तू लाइफ में क्या करना चाहता है? फिर जी मैं बिजनेस लाइन में जाऊँगा, जहाँ अच्छा पैसा कमाया जा सके, जहाँ एक चीज़ मतलब जैसे आज है जी, कोई मेरे को कहीं मैं मॉल में गया तो मेरे को दिखी हुई टंगी एक भाई 15,000 रुपये की चीज़, वो दिखी दूर से प्राइस टैग देखा, छोड़ अगली बार। रणविजय, तूने मनीष यादव को पहचाना नहीं? पहचाना, हम इससे मिल चुके हैं दोनों। कहाँ पे? ये बताएगा। गुड़गांव। गुड़गांव में कहाँ? ओ कोर्टयार्ड मैरियट। मैरियट के कोर्टयार्ड में तू क्या कर रहा था भाई? पार्टी। पार्टी कर रहा था तू? हाँ जी। तूने हमसे बात की थी ना? हाँ जी। तेरी भाषा ये नहीं थी, तेरा लहजा ये नहीं था, ठीक है? तो अपने आप को जो देसी बता रहा है, मैरियट के एक्वानून पार्टी में तू नाच रहा था दारू पीता हुआ, ऊपर आके मेरे को कह रहा बड़े आराम से बिल्कुल रेगुलर एकदम फॉश इसमें बात कर रहा था। फोन का इधर जेब में दे, इधर वॉलेट भी दे दे। वॉलेट भी? दूसरा फोन भी दे दे, अब इतने सारे फोन है तेरे यार। यो है जी, बटो। तेरे को इंग्लिश में बात करना आता है? आती है जी थोड़ी बहुत, पर बहुत कम आती है। तेरे मैसेजेस काफी सही इंग्लिश में है। तूने रोडीज को कब से देख रहा है? ये कि कितने साल से देख रहा हूँ जी। रिसर्च क्या किया इसके ऑडिशंस के बारे में? रिसर्च जी मैंने पिछली बार का ये देखा जी, अगर भाई मैं कहीं ना कहीं अगर अपने आप में कुछ छुपाना चाहूँगा तो भाई कपड़े उतरेंगे। रणविजय, ये तेरी टीम में आ रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये ढूंगी है। इसको लग रहा है कि आशु एक देसी आदमी था। ना जी बिल्कुल नहीं। तो वो आ गया था एक सूरज, देसी आदमी बोल के। राहुल भी उस साल देसी आदमी की एक्टिंग कर रहा था, वो लोग सेलेक्ट हो गए थे। इसको लगता है स्मॉल टाउन फैक्टर विल वर्क इन हिज फेवर, और वो आ रहा है तेरी टीम में, अब तेरे ऊपर है तेरे को क्या करना है। उसने क्या क्या ढोंग रचने और ढोंग जी कोई नहीं है, क्या क्या उसने ड्रामे करने वो तू देख ले भाई। जी सच बता दे, वरना तू गया, मतलब तेरे मैं कुछ कहूँगा नहीं ना मैं कुछ करूँगा, मगर तेरा चांस खत्म, तू गया यहाँ से बाहर। ठीक है, देखो जी मैं सच बताऊँगा जी, जो कुछ अब आप पूछोगे। तू सच बोलेगा? बिल्कुल जी, 300%। ये तेरे बात करने का जो एक्सेंट है वो ओरिजिनल है या अभी तू ज़्यादा दिखा रहा है? नहीं जी, वैसे सही बताऊँ तो जी मेरा ये ओरिजिनल है, पर बाहर जब भी जाता हूँ ना जी, मैं कभी इस तरीके से बात यहाँ की बोल कैसे बात करते हो? ना ना छोड़, चीनी में बात करता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, यहाँ की बोल रहा है जी। कहीं ना कहीं एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, आपको पता ही। तू एक्चुअली हमें बेवकूफ बना भी देता, हम लोग बड़े भोले, पता तू सही है, हम हैं नहीं। यस यस यू आर राइट, हम गलती तेरी हो गई कि फोटो खिंचवाने के लिए भी किसको दिया, ऑडिशंस के डीओपी को। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है, एक। मेरा काम खत्म है भाई, तेरा ही काम है अब, मैं चिल मारूंगा इधर। जी मैं मेरे से बात मत कर यार, मेरे को तो कुछ नहीं पड़ी, वो इसका टीम है, इसकी टीम है, कर आराम से बातें कर। कहीं देखो जी मैं 2,000 किलोमीटर से यहाँ आया हूँ, कोई बात नहीं यार, मैं सेलेक्ट होने आया हूँ। तो तू अपनी पर्सनालिटी पे, तुझे अपने पे शक है क्या? तुझे ढूंढ करना पड़ेगा एक जाट होने का। मतलब जाट नहीं, गाँव से है तू? कौन से घर में रहता है? कौन गुड़गांव में कौन से सेक्टर में रहता है? फोन देख उसके, दो ये फोन मैंने खरीदा अभी इतने साल काम करने के बाद, S3। एक और फोन होने के बावजूद जेब में पैसे हो तू कैसी बातें कर रहा है? इससे बढ़िया फोन नहीं आज मार्केट में भाई। ये देखो जी, अरे जेब में पैसे है ये? वो चीज पसंद है, वो मिल जाए है, रख देता हूँ वापस, ये मेरे पास जिस दिन पैसे होंगे उस दिन खरीदूंगा, इससे बढ़िया फोन नहीं है यार। रणविजय मेरे को अब आई थिंक तेरे को अगर बात करनी कर ले, मैं निकल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, अब मेरा चढ़ रहा पा रहा है।
क्यों झूठ बोल रहा है यार? सच में जी, बात कहीं ना कहीं एक बार समझो तो सही। देखो जी, मैं आया हूँ इतनी दूर, तो मैं भी कहीं ना कहीं से ये चाहूंगा जी। तू जाट से ना और भी कम तेरी शक्ल बच्चे वाली हो गई। इसके आईब्रोज देख देसी आदमी के। I'll talk to you in English because I know you can understand me. Your choices have consequences. Say hello to karma. चल।